मुंबई में एक महिला अपने अंडर गार्मेंट्स में छुपाकर 9 करोड़ का ड्रग्स ले जा रही थी। डीआरआई ने इसका खुलासा किया है। जी हाँ, ब्रा और पैड में इस महिला ने ड्रग्स छुपाए हुए थे। डीआरआई ने ड्रग्स तस्करी के एक नए मोड्स अपरेंडी का खुलासा किया है। युगांडा की रहने वाली एक महिला इसी मोड्स अपरेंडी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। डीआरआई की टीम ने इस महिला के पास से करीब 890 ग्राम कोकीन बरामद किया है। खुले बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये महिला छोटी छोटी थैलियों में ड्रग्स की एक खेप अपने ब्रा और सैनिटरी पैड और हेयर विग में छिपाकर भारत ला रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिला के ने जो बालों पर विग लगा रखी है, विग यानी कि नकली बाल, उसमें से कैसे ड्रग्स जो है वो निकाला जा रहा है। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक यही नहीं, कुछ और विदेशी महिलाओं को ड्रग्स तस्करी के लिए मादक पदार्थों को सैनिटरी पैड में छुपाकर लाते हुए पकड़ा गया है। जबकि इससे पहले तरल कोकीन को विस्की की बोतलों में लाने के मामले भी सामने आ चुके हैं।